हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सबसे पहले मैं सभी व्यूअर से बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ। जितने भी हमारे व्यूअर से इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनके साथ मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लेट आ चुका है। एक महीने से हमारी चैनल पर कोई भी अपडेट नहीं आई प्रो कबड्डी लीग की, तो उसके पीछे एक बहुत ज्यादा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि मैं स्टडीज की वजह से बहुत ज्यादा बिजी था, तो मैं वीडियोज कंटिन्यू नहीं बना पाया। लेकिन आज के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली वीडियोज अपलोडिंग होगी और जो हमारा कॉन्टेंट है वो कंटिन्यू चलने वाला है। प्रो कबड्डी सीजन 10 से रिलेटेड जितनी भी नई अपडेट्स होगी वो चैनल पर अपलोड होगी। तो आज की वीडियो में हम टोटल बात करने वाले हैं यहां पे पटना पायरेट्स टीम से रिलेटेड। पटना पायरेट्स टीम ने बहुत बड़ा झटका दिया है, बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है पटना पायरेट्स टीम से रिलेटेड और पटना पायरेट्स फैन से रिलेटेड। पटना पायरेट्स के लास्ट ईयर कोच हमें यहां पे दिखे थे रवि शेट्टी सर, जिन्होंने पिछली बार यहां पे राममेर सिंह की जगह ली थी, फिर उसके बाद रवि शेट्टी आए यहां पे हेड कोच पटना पायरेट्स टीम के। लेकिन इस बार पटना पायरेट्स की स्ट्रेटजी काफी अच्छी दिखी यहाँ पे। लास्ट ईयर यहाँ पे टीम लाइक प्रदर्शन नहीं कर पाई, यानी कि प्लेऑफ्स तक भी टीम नहीं पहुंची, लेकिन इस बार टीम मैनेजमेंट और स्टाफ मेंबर्स से कुछ डिसीजन लिया है, ओनर्स वगैरह डिसीजन होते हैं, पूरी जो प्लानिंग होती है कि हेड को चेंज किया जाए पटना पायरेट्स टीम का। और ऑफिशियली पटना पायरेट्स के सभी ट्विटर ऑफिशियल या सोशल मीडिया के हैंडल्स पे ये अपडेट आई है कि पटना पायरेट्स टीम ने अपने ऑफिशियल हेड कोच को चेंज कर दिया, यानी कि रवि शेट्टी सर हमें अब पटना पायरेट्स टीम का हिस्सा नहीं दिखने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 10 में। तो इसकी जगह बहुत बेहतरीन नाम निकल कर आ रहा है जो पटना पायरेट्स टीम की कैप्टन कोचिंग में नजर आ सकते हैं, हेड कोचिंग में नजर आ सकता है। तो लाइक यहां पर नरेंद्र कुमार रेडू सर जो हेड कोच रहने वाले हैं पटना पायरेट्स टीम के पीकेएल सीजन 9 में, नरेंद्र कुमार रेडू को बहुत ज्यादा मतलब जितने भी फैंस हैं प्रो कबड्डी लीग के वो इनको नहीं जानते हैं। लाइक ये पहले जब आए थे प्रो कबड्डी में, इनका डेब्यू हुआ तो उस टाइम ये हरियाणा की मतलब एज ए असिस्टेंट कोच नजर आए थे, लेकिन इस बार इन्होंने नरेंद्र कुमार रेडू रेड आर्मी के भी कोच रह चुके हैं, लेकिन इस बार हमें पटना पायरेट्स टीम के साथ नरेंद्र कुमार रेडू दिखने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।